चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट बुक्स के लिए, जो आरआरबी पैरामेडिकल लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए, वो सारे बुक जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बुक से यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो आपकी जो चांसेस है सिलेक्शन की वो 100% श्योर हो जाएगी। आप अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो जाएंगे यदि प्रॉपर वे में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आप तैयारी करते हो तो। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे कौन कौन से बुक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस, इसके लिए हम जो बुक होगा उसके बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज यानी लैब असिस्टेंट स्पेसिफिक जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन से बुक आपको पढ़नी है। रीजनिंग और एप्टीट्यूड से रिलेटेड कौन सी बुक आपको पढ़नी होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। जनरल इंग्लिश के लिए कौन सी बुक लेनी है आपको उसके बारे में भी बताएंगे। और प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे आपको प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे इसका पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। सबसे पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें, तो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस में जो है सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए लुसेंट जनरल नॉलेज की बुक, ठीक है। और एक मनोरमा ईयर बुक होती है, उससे भी आप अच्छे तरीके से जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की प्रिपरेशन कर सकोगे। साइंस के लिए एनसीईआरटी साइंस बुक 6 to 10 जो है, यहाँ पे आपको बेसिक जितने भी आपको साइंस के होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे 6 to 10 के बुक से। नेक्स्ट है प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड बात करें, यानी आप लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, लैब असिस्टेंट का पेपर देना है आपको, आरआरबी का पेपर देना है, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक का एक बुक आता है, टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, प्रफुल बी गोडकर, ठीक है। तो ये बुक काफी कारगर है, इसको जरूर आप देख लेंगे। इसमें आपको पूरा टेक्स्ट में मिल जाएगा, आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल मिल जाएगा, इसमें थ्योरी सारी थ्योरी जो है आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट बुक हमारा कंसाइज बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बाय रमनिक सूद, रमनिक सूद की एक बुक है, ठीक है। इस बुक से जो है आपको यहाँ पे भी ये बुक भी जो है आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपको जो भी क्लियर हो जाएगी, आपकी जो भी क्वेरी होगी आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी इस बुक के माध्यम से। मैनुअल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल नॉलेज यानी लैब असिस्टेंट स्पेसिफिक जो है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में से आने वाले हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनुअल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी बाय कनाइल एल मुखर्जी, ये भी काफी मतलब इम्पोर्टेंट बुक है, ठीक है। जितने भी मैं बुक बता रहा हूँ ये सारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से यदि एक दो बुक आप यदि थ्योरी के लिए प्रफुल गोडकर को भी रख लेते हैं तो ये भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। एक एमसीक्यू बुक के लिए जो है आप रमनिक सूद का एक बुक प्रिफर कर सकते हो, एमसीक्यू फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी रमनिक सूद। जिनके पास इनमें से कोई भी बुक अवेलेबल हो तो बेस्ट है प्रिपरेशन के लिए। मैं नहीं बोलूंगा कि ये सारे बुक ही लेने जरूरी हैं, इनमें से ये टेक्स्ट बुक में से आप एक दो कम से कम तो आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। एक प्रफुल बी गोडकर और एक रमनिक सूद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बारे में हम बात करें, तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए जो है आपको आर एस अग्रवाल की एक मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक आती है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो है एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये भी आर एस अग्रवाल का है, ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लिए बहुत बेस्ट बुक है, तो आप इससे प्रिपरेशन करेंगे तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अब हम जनरल इंग्लिश के बारे में यदि हम बात करें कि जनरल इंग्लिश में हम लोग कौन से बुक प्रिफर करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश जो एसपी बक्सी की बुक है काफी बेहतरीन बुक है, इसको आप प्रिफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन जो वैरन और मार्टिन का बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है जनरल इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप इसको भी प्रिफर कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। ये भी है कि आप बहुत ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश नहीं देखें, ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके प्रोफेशनल जो स्पेसिफिक हैं उससे आने वाले हैं, तो आप ज्यादा फोकस उस सब्जेक्ट के ऊपर ही करेंगे जिससे आपको ज्यादा मार्क्स गेन होने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करें, तो आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ प्रीवियस ईयर पेपर जो है अरिहंत एक्सपर्ट के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है, इसके बारे में जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा ये तैयार किए गए हैं। और आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन है प्रकाशन है, इनके द्वारा भी जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं
जो एग्जाम मार्केट में आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे किरण प्रकाशन के, तो उससे भी आप प्रैक्टिस पेपर्स लगा सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस तरीके से आप उसका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ अच्छे जानकारी के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।